जब तक लड़की बात कर रही होती है, वो आपके ना गाड़ी का ना थोड़ा स्क्रैच थोड़ा ये हो गया है, आप नीचे रहते हैं। जब कहता है कि अरे भाई साहब मुझसे लग गए नीरव के लिए क्या बन रहा है? पैन केक। क्या बन रहा है? तो नीरव को पैन केक अच्छा लगता है और ये बहुत इजी होता है बच्चों को खिलाना, तो इसलिए नीरव के लिए बना रही है यम्मी सा पैन केक। और आजकल नीरव को दूध नहीं पसंद आ रहा है। क्या क्या बेटा, अभी आप क्या देख रहे थे बताओ? क्या देख रहे थे? अभी नीरव राइम्स देख रहा है अपना। और छोटा भाई क्या कर रहा है बोलो? स्लीपिंग। क्या कर रहा छोटा भाई? छोटा भाई केक आप बनाती है? क्या डालू? खाना खाना नीरा को बहुत पसंद आता है। ओए पैनकेक नीरा को बहुत पसंद आता है। हाँ जी कैसा होता है ये पैनकेक? कैसा होता है बेटा बताओ? पैनकेक कैसा होता है? उई हॉट, डोंट टच बेटा, हॉट। नीरव को पैनकेक जो है बिल्कुल रेडी है। यस यस, चलो खा के दिखाओ। इट्स हॉट बेटा, फूक के बेटा, फूक के। मम्मी चलो। कहाँ चलूं? अदर वहाँ चल के खाना है, वहाँ चल के। ये दूसरा वाला बना लेता हूँ बेटा, प्लीज दूसरा वाला भी बना लेते हैं ना पैनकेक। एक और बनेगा पैनकेक तो ये मम्मा खा लेगी, हालांकि मैं खा चुकी हूँ बट अब मुझे खाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका बैटर रख नहीं सकती क्योंकि ये ब्लैक होने लगा, तो इसलिए मुझे अभी बनाना होगा। सैंडविच नहीं है बेटा, ये तो पैन केक है, तो दूसरा वाला भी बना लेते हैं ना बेबी, फिर चलते हैं। ओके क्या क्या ये पैन केक? चलो जब तक लड़की बात कर रही होती है, वो आपके ना गाड़ी का ना थोड़ा स्क्रैच थोड़ा ये हो गया है, आप नीचे रहते हैं। जब कहता है कि अरे भाई साहब मुझसे लग गए, क्या है ना थोड़ा पीछे ले रहा था ना आपकी गाड़ी, तो अलग थोड़ी गलत पार्क हो रखी थी, थोड़ा लग गया, थोड़ा बॉन्ड ना टूट गया वो, स्टार्ट कर दिया था लोग। तो अभी मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे प्यारे पति, मेरे हस्बैंड अभी चाय बना रहे मेरे लिए, और मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है अदरक वाली, और ब्लैक पेपर भी डालना, ठीक है? हाँ दोनों डालना क्रश करके। और व्हाइट पेपर तो है, व्हाइट को पहले मैं यदि काले है उसमें डालूंगा तो ब्लैक पेपर होगा। जुए काट रहे क्या, जुए से खुजली कर रहे हो तुम? मेरे समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक पेपर जुए हो गए है नहीं मेरे पास, क्या करूँ बताओ? अरे है यार देखो ये नहीं, नहीं, व्हाइट पेपर को ब्लैक करना पड़ता है ना उसके लिए। गाइस तो मैंने बाल थोड़े अतरंगी तरीके से कटाए हुए हैं, यहाँ ऐसी करते जब भी तुम कटाते हो, पता नहीं क्या हर बार ऐसी होता है कटता है। तो अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा चाय बना रहे, क्योंकि चाय पीऊंगी तभी मेरे अंदर कुछ एनर्जी रहता है कुछ भी काम करने का। सो तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही अलग तरीके का पनीर का सब्जी, और हालांकि अभी दिन वाला इतना सारा कढ़ी है, क्या करेंगे यार उस कढ़ी का? वो अलग तरीके का मतलब समझ रहे हो क्या? उसमें पनीर नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ये कहने का मतलब अलग। अच्छा तो अलग अभी दिख जाएगा क्या होगा क्या नहीं, मतलब बताने के लिए है कि अलग तरीके का पनीर है, पनीर सी माय बेबी। नहीं पनीर भी आज मैं अलग तरीके से काटूंगी, ठीक है? और उसमें मैं अभी जो एक चीज डालूंगी वो है काटो ना, तो इसमें मैं अभी डालूंगी काजू, ठीक है? क्या काजू बहुत खा लिए बेटा? तो गाइस इसमें मैं डालूंगी थोड़े बहुत, क्या कर रहे हो कितना शोर, काजू और पॉपी सीड, इसका पेस्ट बना के डालूंगी मैं, दिखाऊंगी बेसिकली। चलो बेटा काजू देता हूँ, रुको फिर इस काजू दिखाऊंगी मैं।
गाइज ओके और गाइज मेरा बिजनेस जो है अभी अच्छा चलने लगा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जो भी करना चाहता है ये बिजनेस बिल्कुल बिंदास होके मुझे बताना, और आप लोग भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो इस बिजनेस से। तो अभी काफी लोग हैं लाइन में, भी वो लोग भी करेंगे। और देखो ध्यानश को कैसे देख रहा है। तो बिल्कुल ये बिजनेस आपको कहीं भी इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगाने हैं। जो भी आपको घर का सामान होता है वो बस इससे खरीद के आपको बिजनेस बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो मुझे बताना ज़रूर। तो मैं चाहती हूँ यूट्यूब से भी काफ़ी लोग जुड़े, तो मैं चाहती हूँ यूट्यूब से भी काफ़ी लोग जुड़े, और जो भी है वो भी मतलब जो भी कमाना चाहता है वो मुझे बताए यूट्यूब से। मैं चाहती हूँ कि काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स आए और इस बिजनेस में जुड़े और लाखों में कमाए, और जो भी उनके ड्रीम है वो पूरा हो। गंदी बात, अरे रहन दो ना यार बाबू, रहन दो। गाइज हमारे यहाँ अभी काम वाली नहीं आ रही और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि क्या बताऊँ। दो बच्चे के साथ झाड़ू पोछा लग नहीं पाता है। मैं एक दिन मतलब पोछा छोड़ देती हूँ, कभी कभी दो दिन छूट जाता है, कभी तीन दिन भी छूट जाता है। मतलब झाड़ू तो एवरीडे लगता है बट पोछा लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बस ऐसा लग रहा है जल्दी से आ जाए, ऐसा लग रहा है बस जल्दी से मेरी मेड आ जाए और थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिले। रिलीफ क्या मतलब, टाइम ही नहीं मिलता मुझे, रिलीफ नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन जो हैं उनको क्लीन कर दिए हैं, उनका स्टडी टेबल वगैरह भी आज मैंने क्लीन कर दिया। तो विंडर में ये बोतल ला के रख दिया है। यहाँ जो है अभी सो रहा है, मैं जा रही फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। गाइस तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और घी। तो अभी मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ हेल्दी डाइट, तो उसमें मैं अभी ऑलिव ऑयल डालूँगी बट थोड़ा सा आज ऑयल ज़्यादा डालूंगी क्योंकि जो सब्जी आज मैं बनाऊंगी उसमें ऑयल थोड़ा चाहिए। और गाइस पनीर को मैंने आज बहुत ही पतले पतले और ऐसे लंबे लंबे मतलब काटा है स्क्वायर शेप में, और लेट्स सी ऐसा कैसा लगता है। इस तरह से मैं काटती नहीं हूँ। और यहाँ अनियन को मुझे थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है, आई थिंक हो गया है। तो अभी मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी इसमें, गार्लिक जिंजर भी मैंने डाला है, मतलब सब कुछ रफली चॉप किया है। टमाटर मैंने यहाँ पर तीन लिया है, और ये जो मैंने बताया था काजू और खसखस का पेस्ट, मतलब इसको बनाना है। सब कुछ एक ही साथ इसको ग्राइंड करूँगी, तो पहले मैं सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया और कश्मीरी रेड चिल्ली और हल्दी डाला है। थोड़ा सा मैं ये वाला टाटा संपन्न का यहाँ पर मैं मसाला ले रही हूँ, और ये चिकन मसाला है मैं बहुत कम डाल रही हूँ, तो इससे थोड़ा यू नो फ्लेवर अच्छा आता है, रिचनेस हो जाता है, रिचनेस अच्छा आता है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। मैं इसे बस 5 मिनट और कुक करूंगी, उसके बाद इसको ग्राइंड कर दूंगी ठंडा करके गाइस। और इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा सफाई डस्टिंग हो गई ना, मतलब पूछो मत। मतलब मेरा घर एक हफ्ते से इतना ज़्यादा लग रहा था डस्ट हो रहा है, मैं मतलब क्लीन नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल रहा है कि मैं कुछ क्लीनिंग करूँ, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर सकूँ। क्योंकि अभी एक तो बिजनेस कर रही हूँ, पर से यूट्यूब पे भी उतना अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं। वीक में मुझे लग रहा है 2 या 3 ही वीडियो डाल पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एडिटिंग, इतना टाइम लगता है, इतना ईजी नहीं है और इतना ईजी नहीं होता है। और ऊपर से दोनों बच्चों को अच्छे से देखना, सब कुछ टेक केयर करना। नीरव के अभी थोड़ा नीरव के भी टेंट्रम्स इतने शुरू हो जाते हैं कि पूछो मत। खैर नीरव तो अब खुद से खेलने लग गया है, काफ़ी कुछ टीवी में अगर उसके राइम्स चला दो तो खेलता है, उसकी बुक्स वगैरह है तो उसमें वो काफ़ी बिजी रहता है। और मैं अभी इधर बच्चे छोटे वाले में बिजी रहती हूँ, तो मैं इधर अभी छोटे वाले को देखती हूँ उसमें बिजी रहती हूँ, फिर नीरव को कुछ अगर बना कर देना है उसमें रहती हूँ। लाइफ तो ऐसी हो गई कि मतलब पूरे टाइम लगे रहो। पहले क्या था, दोपहर में सो जाती थी, थोड़ा भी लगा थकान तो मैं सो जाती थी कैसे भी नीरव को सुला के। बट अब क्या है, एवरी डे डिफरेंट है, हर एक दिन अलग होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आज अगर ऐसा है तो कल भी ऐसा ही रहेगा, अगले दिन हो सकता है इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिले।
और कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं सो जाती हूँ, और क्योंकि रात में नहीं सो पाती हूँ। क्या हाँ मैं कह रही कि क्या हो गया। तो अभी जब तक मेरा मसाला जो ठंडा हो रहा है तो मैं सोची क्या करूँ, मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और या और कुछ नहीं, तो नीरव अभी खेल रहा है और नीरव के डैडी ध्यान को लिए हैं छोटे वाले को, तो मतलब मेरे हस्बैंड भी इतना लगे रहते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, ऊपर से मेड नहीं आ रही है तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा काम करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट आई लाइक इट, पता नहीं क्यों, मतलब इतना काम है फिर भी मुझे अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसा लगता है माय गॉड इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज़्यादा थकान हो रहा है। बीच में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सरसाइज वगैरह भी कर लिया, मॉर्निंग में जाकर थोड़ा मॉर्निंग वॉक करती थी, थोड़ा मॉर्निंग में ज़्यादा ही मैंने कुछ दिन रनिंग कर लिया 2-4 दिन, तो मेरे इतनी बॉडी में पेन हो रहा था कि पूछो मत। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कुछ अभी मत करो, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई रनिंग नहीं, क्योंकि तुम्हारा बच्चे में ही इतना ज़्यादा एक्सरसाइज हो रहा है, यही मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। बट मेरा थोड़ा सा वेट, मैं चाहती हूँ लूज़ करूँ, थोड़ा सा वेट मेरा कम हो, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी ऐसी जो घर में बना के देते हैं मम्मी वगैरह दवाई, घी वगैरह का लड्डू वगैरह, वो अभी इतना खा लिया था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा, मैंने वेट गेन कर लिया। तो यही सारी चीज़ें हैं और बस जा रही फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं तो बस अब थोड़ा मैं सब्जी बना लूँ, उसके बाद रोटी बना लूँगी, कढ़ी भी बहुत सारा है तो क्या करें देखते हैं। एंड मुझे अभी 2-4 लोगों से बातें भी करना है, अभी मुझे 4-5 लोगों से थोड़ा बिजनेस के बारे में डिस्कस भी करना है। तो अभी बिज़नेस जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, मेहनत भी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बिना मेहनत के कोई भी पैसा नहीं देता है। तो कहीं भी कुछ भी हो, चाहे आप जॉब करते हो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है, अगर आप घर बैठ के भी बिजनेस करते हो तो भी आपको टाइम देना पड़ता है। तो बिना टाइम दिए बिना मेहनत किए कोई आपको पैसा नहीं देता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेहनत करूँगी उतना ज़्यादा मैं अर्न करूँगी, तो ये एक सच्चाई। तो दूध वाला आगे मैं थोड़ी देर बाद, यहाँ पर मैंने क्यूमिन सीड डाल दिया है और थोड़ा सा घी डाला है बस, और ये रहा हमारा ग्रेवी। तो थोड़ा सा गाइस इसमें मैंने पानी डाला है और इसमें अब मैं पनीर को डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ग्रेवी जो है पक चुका है, तो इसमें मैं पनीर को अब डाल देती हूँ। तो आज बन रहा है शाही पनीर, अभी इसमें डाल दिया है पनीर, थोड़ा सा इसको कुक करूँगी। और ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बनाई हूँ शाही पनीर, जिसमें मैंने काजू और पॉपी सीड का पेस्ट डाला है, तो ज़रूर ब्लॉग देखना। ओके गाइस, तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, लेट मी सी। तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है क्योंकि मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुना हुआ था पहले से ही, तो इसको मैंने 5 से 7 मिनट और कुक किया है, तो आई थिंक ये बिल्कुल रेडी है अब खाने के लिए। तो मैं फटाफट से मैं पहले रोटियां बना लूँ, रोटी नहीं बना एंड देन रेडी है। थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है नमक या कुछ भी, मुझे मतलब मुझे लग रहा थोड़ा सा नमक कम है, तो टेस्ट करके देखती हूँ। रिच बना हुआ है जैसा मैं सोच रही थी, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आपको बहुत ज़्यादा रिचनेस वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो वो अच्छा लगता है। तो सब्जी बन गया है और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, एंड उसके बाद बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी। एंड या मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि ये जो बिज़नेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, और बहुत ज़्यादा आप इसमें अपना अर्निंग ग्रो कर सकते हो, तो इसमें अर्निंग बहुत ही जल्दी आपकी हो जाएगी, बस थोड़ा सा आपको 6 से 8 महीने वेट करना होगा। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ इस बिज़नेस के बारे में क्योंकि ये बिज़नेस एक्चुअली में बहुत अच्छा है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ओ माय गॉड मुझे पैसा इसमें लगाना पड़ रहा है, मेरे पैसे फंस गए हैं, ये ऐसा कोई बिज़नेस है ही नहीं। और ऐसे चीज़ों को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगी जिसमें किसी का भी नुकसान हो और मेरा फ़ायदा हो, नहीं, इसमें आप किसी की हेल्प ही करते हो। तो मैं इसमें अगर किसी की भी हेल्प करूँगी और कोई अगर अच्छा कमाने लगेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, ऑनेस्ट है, और इसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हो।
इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, तो जिन लोगों को भी करना हो तो ज़रूर मुझे बताना आप लोग कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, मुझे इस कमेंट में आप बोल सकते हो, तो उसके बाद उनसे मैं चैट कर सकती हूँ। मेरे एक दो व्यूअर मिले हैं जो उन्होंने कमेंट किया है कि हाँ हम भी इंटरेस्टेड है करने के लिए, आई एम सो ग्लैड। और उनसे अभी बातें कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ प्लान वगैरह, एंड उनको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और वो लोग रेडी हैं करने के लिए। तो जो लोग भी रेडी है करने के, तो जो लोग भी करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो के कमेंट में, एंड उसके बाद में उनसे बातें करके सब कुछ बता दूँगी। गाइस, तो अभी मैं अपने हस्बैंड को जा रही हूँ देने डिनर, तो पहले मेरे हस्बैंड करेंगे डिनर, उसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि अभी मैं बेबी को संभालूँगी तो वो करेंगे डिनर, फिर वो कर लेंगे तो मैं करूँगी। तो अभी उनको दे देती हूँ फटाफट से यम्मी सा डिनर।